ये लो भैया गधड़िया, हम आ गए पत्थर लेकर, और मारो ही के आम के पेड़ में। हाँ हाँ लाओ लाओ। ओ भाई साहब, अरे यार गधड़िया, तुम्हारा निशाना तो भाई बहुत ही पक्को है यार, एक झोपा तुमने गिरा दिया आम का। अरे तुमको क्या पता है मेरे सास की, बचपन में तो हम बहुत ही आम तोड़े थे। और बता भैया गधड़िया, और बता कैसी कट रही है जिंदगी? अरे पूछो ना मेरे सास की, जिंदगी तो बहुत ही खराब कट रही है। क्यों भाई गधड़िया, तुम ऐसे कहे को बोल रहे हो कि जिंदगी बहुत खराब कट रही है, क्या बात है? अरे क्या बात बताओ भाई, शादी के पहले तुम एकदम आजाद पंछी था, लेकिन जब से शादी हो गई है तब से बीवी का खर्चा, बच्चे का खर्चा, इसी में दिन भर उलझा रहता हूँ। जब तुम्हारे ऊपर इतने बड़ो मुसीबत है तो जाके भाई कुछ काम धंधे करो ना, काहे को दिन भर बैठे रहते हो? अरे तो जब काम धंधे मिलेंगे तभी तो करेंगे ना, कि ऐसे किसी के घर पे जाके काम करेंगे? देखो भाई गधड़िया, ऐसे बैठने से काम ना चलेगा, जब तुम्हें काम करना है तो घर घर जाके पता लगाओ, तुम्हारे घर पे कोई आकर तुम्हें बुला के थोड़ी ना ले जाएगा, तुम्हें ही पता लगाने पड़ेंगे काम को। हमारा भी नाम गधड़िया दी गैंगस्टर है, लोग हमारे पास आते हैं, हम किसी के घर थोड़ी ना जाएंगे काम पता लगाने। अरे पिताजी जाके आम लेके चले आइए ना, दाल में डालने हैं। अरे तो काम फ्री में मिलेंगे का, पैसे लगेंगे, जाके मम्मी से बोल दो कि आम ना मिल पाएंगे। मुझे कुछ ना पता, हमें तो आम चाहिए चाहिए चाहिए, बिना आम के हमें दाल अच्छा ना लगता है। अबे काहे को जिद कर रहा है मेरे सास की, जब हम बोल दिए एक बार कि आम ना मिल पाएगा तो काहे को मूड मार रहे हो? हमारी भी एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक दाल में आम ना पड़ेंगे तब तक मैं खाना ना खाऊंगा। अरे यार कबूतरा, तू हमें ये बता यार कि मार्केट में आम कितने रुपए किलो होंगे? अरे यार गधड़िया, इस बार तो आम बहुत ही कम फरे हैं भाई, इस बार तो आम बहुत ही महंगे होंगे। अरे तब भी का रेट मार्केट में मिल रहा होगा? अरे कम से कम मान के चलो भाई 30 रुपए किलो तो भाई मिल रहा होगा, उससे नीचे ना मिल पाएगा कोई आम। 30 रुपया किलो? अरे यार आम तो बहुत महंगे हैं यार इस बार, और इस बार अपने गांव में तो किसी का आम भी ना फरा है। भाई कालिया तो हमें बता रहा था कि चटोरा बाबा का आम फरा है, अब मालूम ना चल के देखना पड़ेगा कि फरा है कि ना फरा है। अरे भाई कबूतरा, मेरा ये कहना है कि चल के देख लेते हैं, अगर आम फरे होंगे तो यहीं से चोरी कर लेते हैं, का फायदा यार मार्केट में से 30 रुपए किलो लाने से, बहुत ही पैसे चले जाएंगे मार्केट में। अरे का भाई गधड़िया, और बताओ का हाल है? अरे कालिया तू बहुत ही अच्छे टाइम पे आया, हमें तू ये बता भाई कि अपने गांव में इस बार किसके आम फरे हैं ज्यादा? देख भाई गधड़िया, अपने गांव में तो सिर्फ एक ही लोग का आम फरा है, और वो भी वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। अरे किसका 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 आम फरा है हमें तो बताओ। अपने पूरे गांव में सिर्फ चटोरा बाबा का ही आम फरा है, और किसी का भी आम ना फरा है इस बार। क्यों भाई गधड़िया, तुम इतना आम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे यार का बताएं यार, हमें आम चाहिए था, मैंने सुना कि मार्केट में 30 रुपए किलो आम है, हमने सोचा कि चटोरा बाबा का आम बगल में खुद ही फरा है, यहीं से तोड़ लेते हैं, का फालतू में पैसा बर्बाद करें। अरे भाई गधड़िया तू पगला गया है का, वो चटोरा बाबा बहुत ही खतरनाक आदमी है, एक बार हम उसका आम तोड़ते हुए पकड़े गए थे तो हमें पेड़ में बांध कर मारा था। ना भाई ना, तुम्हें तोड़ना हो तो तुम जाओ, मैं ना जाऊंगा उसके आम के पेड़ के नीचे। अरे गधड़िया मैं भी सुना हूँ यार कि वो चटोरा बाबा बहुत ही खतरनाक आदमी है, एक बार पकड़ लेता है ना तो बहुत अच्छे से पिटाई करता है। अरे तो चोरी करने के लिए दिमाग चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है कि गए बस पेड़ के नीचे से आम तोड़ के लेके चले आए। देखो भाई चोरी करने के लिए बहुत ही दिमाग लगाना पड़ते हैं पहले, तो हमें तू बता कि कौन सा दिमाग लगाएगा चोरी करने के लिए? अच्छा कालिए तू हमें ये बता कि चटोरा बाबा कब से कब तक रहते हैं बाग में? देखो भाई गधड़िया, चटोरा बाबा 4 से 5 के बीच में जाते हैं खाना खाने, अगर तुम चाहो तो उसी के बीच में तोड़ सकते हो आम। तो चलो तुम सब भी जाकर रेडी हो जाओ, आज 4 से 5 के बीच में होगी चटोरा बाबा के बगीचे में आम की चोरी। अरे ना भाई गधड़िया ना, तुमको जाने हो तो तुम चले जाओ, इतना बड़ा हमें रिस्क ना उठाएंगे। हाँ भाई कबूतरा तू बातें बहुत ठीक बोल रहा है। अरे मेरे साथ की जहाँ पर गधड़िया दी गैंगस्टर है तो तुमको टेंशन लेने की क्या बात है, तुम सब बस हमारे संग चलो, आम तो हम ही तोड़ेंगे। अरे यार भाई गधड़िया यार, तेरे चक्कर में हम सब भी फंस जाएंगे। अरे मेरे साथ की तुम सब टेंशन ना लो, बस हमारे संग रहना, तुम सबको कुछ भी ना होगा, आज शाम को तैयार रहना 4 से 5 के बीच में होंगे चटोरा बाबा के बगीचे में आम की चोरी।
तो ठीक है भाई, हम दोनों जा रहे हैं अपने घर, तुमसे मिलेंगे 4 बजे चटोरा बाबा के बगीचे में। चलो ठीक है ठीक है, लेकिन भूलना मत 4 बजे चले आना चटोरा बाबा के बगीचे में। चलो ठीक है भैया गधड़िया, जब तुम बोल रहे हो तो भाई आना ही पड़ेगा। तो ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, कम से कम थोड़ा बहुत खाना वाना खा लूँ। हाँ ठीक है जाके खाना वाना खा के रेडी रहना। चल रे कालिया, आज तो भाई मजे ही आ जाएंगे, आज तो मिलेंगे सब आम ही आम। अरे यार कालिया, तू तो बात यार एकदम ठीक बोल रहा था, आम तो चटोरा बाबा के बहुत फरे हैं इस बार। अरे भैया गदड़िया, ये तो कुछ भी ना है, और आम तो झर गए, वरना इतने आम लदे थे ना, तुम देखते ही पगला जाते। अरे भैया गदड़िया, मैं तो कहता हूँ कि बोरा लेकर आएगा, आज सारा का सारा आम चटोरा बाबा का झाड़ ले चलते हैं। अरे कबूतरा, तू ज्यादा लालच वाला काम ना कर, पता लगा कि तू गया बोरा लाने, तब तक चटोरा बाबा आ गए ना, तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, एक बोरा के जगह 1 किलो भी आम ना मिलेंगे। तो भैया गदड़िया, अब देरी ना करो, आम तोड़ने हैं तो तोड़ लो, वरना चटोरा बाबा आ गए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। हमें ये बताओ यार कि तोड़ा कैसे जाए यार, इतना लंबा पेड़ है, चढ़ भी ना सकते हैं इस पर। अरे यार गदड़िया, तुम्हें चढ़ने ही पड़ेंगे यार, बिना चढ़े आम कैसे तोड़ोगे। अरे रुको रुको, मैं पत्थर वत्थर का जुगाड़ करता हूँ, देखता हूँ शायद कहीं पत्थर मिल जाए, उससे ही तोड़ लिया जाए। हाँ ठीक है भाई कालिया, तू जा, कभी कभी तू बहुत ही अच्छी बातें कर लेता है, जा देख कहीं पे पत्थर गिरा हो लेकर आ। यार कबूतर, मैं इतना अंदाजा ना लगाया था यार कि इस बार चटोरा बाबा कितना आम फरा है। ये लो भैया गधड़िया, हम आ गए पत्थर लेकर, और मारो हीच के आम के पेड़ में। हाँ हाँ लाओ लाओ। ओ भाई साहब, अरे यार गधड़िया, तुम्हारा निशाना तो भाई बहुत ही पक्को है यार, एक झोपा तुमने गिरा दिया आम का। अरे तुमको क्या पता है मेरे साथ की, बचपन में तो हम बहुत ही आम तोड़े थे। जाओ कालिया, आम लेकर साइड खड़े हो जाओ। भैया गदड़िया, फिर निशाने लगा कर मारना, ताकि आम पे ही पड़े। अरे टेंशन ना लो मेरे सास की, उसी पे मारूंगा। अरे भैया गदड़िया, मैं तो मान गया भाई कि तुम्हारा निशाना तो बहुत ही पक्को है। तोड़ लो भैया गदड़िया, और तोड़ लियो आम, ज्यादा आम मिल जाएंगे ना तो इस बार मार्केट में गिरा देना, बहुत ही पैसे मिलेंगे। तू ठीक कह रहा है कालिया, कम से कम हम लोग के पास कुछ पैसे भी हो जाएंगे। अरे कौन है रे मेरे सास की बगीचे में आम तोड़ रहा है। अरे भैया गधड़िया, हमें तो लगता है चटोरा बाबा आ गए, चलो चलो निकल लेते हैं यहाँ से। अरे मेरे सास की अगर जान प्यारी है तो भाग ले रहे यहाँ से। बताओ, इन लोगों ने तोड़ तोड़ कर आम सारा का सारा नाश कर दिया, हमारे 1 महीने की मेहनत में पानी फेंक दी पानी। चलता हूँ तब बताता हूँ इन लोग को। अरे भाग कर कहाँ जाओगे मेरे सास की, आज तो तुम लोग के चूतरन पे लाठी पड़ेंगे।